हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म मिड डे मील के अभिनेता निर्देशक छत्तीसगढ़ के अनिल सिंह चंदेल जी। तो आइए शुरू करते हैं। सर, आप अपनी फिल्म के बारे में हमें बताइए और इससे जुड़े आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? इस फिल्म का नाम है मिड डे मील जी। इसमें मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। लीड रोल मैं ही कर रहा हूँ। मुंबई सपनों की नगरी, माया नगरी, बहुत सारे नाम हैं। पहले मैंने एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस चाहा जहाँ मेरी फिल्म बन सकी। बहुत तलाश, बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे ट्रस्टफुल प्रोडक्शन हाउस नहीं मिला, तो मुझे खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ा। उसके बाद मैंने एक स्टोरी सोचा, एक ऐसा स्टोरी मैं बनाना चाहता था क्योंकि मैं अननोन हूँ तो मेरी स्टोरी अननोन हो, मेरा नाम नोन हो, एक ऐसा नाम जो कि हर वर्ग के लोग समाज में, पूरे देश में, किसी की भी सत्ता सरकार हो, वो नाम सबके लिए एक कॉमन नाम होना चाहिए, मध्यान्ह भोजन, मिड डे मील। तो मैंने मिड डे मील नाम सेलेक्ट किया और उसके ऊपर मैंने स्टोरी बनाई और वास्तव में उसके ऊपर जो फिल्म बनी है वो लोगों को बनाने और देखने की जरूरत है। शासन प्रशासन की अरबों करोड़ों की योजना है जो कि हमारे जो भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनके लिए लाई गई है कि बच्चा अच्छा खाएगा तो अच्छा पढ़ेगा जी। लेकिन बच्चा योजना में तो अच्छा खा रहा है लेकिन उसे जमीनी स्तर पर अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा है। तो उसे हमने एक फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहा है समाज को, जो सच है वो चेहरा दिखाना चाहा है कि सरकार कितनी अच्छी योजना है जिसे नीचे स्तर के कुछ बिचौलिए लोग या फिर जिन्हें जमीनी स्तर पर उस योजना को लागू करना चाहिए या फिर उनको उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उसे हमने एक पिक्चर के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना चाहा है। स्टोरी के साथ हमने थोड़ा सा उसमें ड्रामा, थोड़ा सा रोमांस, थोड़े से अच्छे अच्छे सॉन्ग भी ऐड किए हैं ताकि हमारी जो दर्शक हैं वो बोर ना हो। सर, आपने कब सोचा कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी चाहिए? ऐसी कौन सी सिचुएशन आई, ऐसी कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए? एक अगर बोलूं तो मेरा बचपन से शौक था जी, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी पारिवारिक, तो मैं पहले उसे निभाना चाहा। उसके बाद मैंने खुद का स्टडी कंप्लीट की, खुद का कैरियर बनाया, खुद का बिजनेस सेटअप किया और उसके बाद फिर मैंने, मुझे लगा कि मुझे अपना सपना पूरा करना चाहिए। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज के समय में ऐसी शायद गिनी चुनी पिक्चरें होंगी जैसे आप विद फैमिली, अपने भाई बहन परिवार, या फिर आप अकेले भी जा रहे हैं तो अगर आपके अगल बगल कोई फैमिली बैठी हुई तो उसके साथ आप देख सकते हैं। तो मैं सबको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पिक्चरें सब तरह की बन रही हैं पर ऐसी भी पिक्चर हो जिसे लोग फैमिली एक साथ बैठ के देख सके, क्योंकि पिक्चर एक मनोरंजन है। तो मनोरंजन हम अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, एक समाज में मैसेज दे के भी कर सकते हैं, कुछ सिखा के भी कर सकते हैं। हम अपने जीवन का वो 2 घंटे देते हैं कि वो हमारी लाइफ से 2 घंटे कम हो गए। अगर हम कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं तो अपने जिंदगी का 2 घंटा वहां दे रहे हैं तो अपने हमारी लाइफ में 2 घंटे कम हो गए, तो उसे हम वेस्ट ना करें, उसे हम देखें, हमारा मनोरंजन भी हो, हमारा मन भी बदले और एक नई एनर्जी मिले और उससे हम कुछ सीख भी मिले। तो उसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए और बनाना चाहिए जो पब्लिक भी पसंद करे और हमें उससे एक सीख भी मिले। सर, इस फिल्म के दौरान आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा या फिर ऐसे कुछ मजेदार किस्से भी होंगे जो आप हमसे शेयर करें? हम 2 घंटे की जो पिक्चर देखते हैं जी, उसे बनाने में फिलहाल मुझे तो 2 साल लग गए जी, और अगर नॉर्मली बनाया जाता तो 6 महीने लगते हैं और इसमें बहुत मेहनत लगती है। और मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष ये रहा कि मेरा इस इंडस्ट्री में या फिर इस लिंक में कोई जान पहचान नहीं थी, ना ही मुझे इसके बारे में किसी तरह की जानकारी थी। बस मुझे मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, बस मुझे अपना मालूम था, आगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो
मेरे लिए बहुत ही संघर्ष भरा ये सफर रहा, मैं इसे आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे ट्रस्टफुल प्रोडक्शन हाउस खोजना बहुत मुश्किल था, हमें नहीं मिला अंत तक। आप मुंबई में जाएंगे, आपको हजारों ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो आपको बैठे बैठे ही पिक्चर बना देंगे और कहानी सुना भी देंगे, पिक्चर बना भी देंगे, आपको सामने बैठा के दिखा भी देंगे। तो सब देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हमारा प्रोडक्शन हाउस हम खुद बनाते हैं, जिसमें हम अपनी आपकी मूवी का पूरा मेकिंग करेंगे। उसके बाद फिर अगला सफर हुआ कि इस नाव को चलाएगा कौन, कि भाई एक अच्छा भाग भी तो चाहिए चलाने के लिए। तो डायरेक्टर हमने खोजना स्टार्ट किया, स्टोरी मेरे पास थी, मैंने स्टोरी डिसाइड कर लिया था कि मुझे समाज के लिए कोई मैसेज देना है, मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए, मैं अननोन हूँ पर मेरा सब्जेक्ट नोन होना चाहिए। तो मैंने स्टोरी बना ली थी मिड डे मील की, और हमारे एक राइटर हैं रोहित चंद्र वास्कर, जिनके द्वारा मैंने उसको एक फ्रेम में, एक लाइन में उसे मैंने एक प्रॉपर शब्दों का कवर दिया। अब डायरेक्टर हम खोजना के सफर किए, हमने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हमें फिर वही आया भरोसा, ऐसा कोई भरोसे वाला डायरेक्टर नहीं मिला। डायरेक्टर बहुत मिले, हमने बहुतों को चांस भी दिया, पर हमारी नैया कौन पार करेगा ऐसा हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। मेरे लिए सब कुछ नया था, मैं तो कैमरा भी नहीं देखा था उसके आगे, मुझे उसे उसके आगे एक्टिंग करनी थी पर मुझे नहीं मालूम था उसके पीछे एक्शन भी मुझे बोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ही खुद डायरेक्टर का रोल मैं ही करूँगा प्ले। तो मैंने मेरे लिए सबसे ये सब करने के बाद जब हम शूटिंग की पूरी प्लानिंग करके जब हम शूट स्टार्ट किए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष रहता था, मुझे प्रोडक्शन भी मैनेज करना रहता था। इसमें मेरे बचपन के मित्र हैं विकार डंसेना जी, उन्होंने बहुत हेल्प की, जो कि उन्होंने पूरा प्रोडक्शन को मैनेज किया। अब डायरेक्शन प्लस एक्टिंग दोनों पार्ट मुझे देखना रहता था। तो अब मेरा ये था कि पहले मैं लोकेशन को, सीन को सेट करता था, लाइटिंग करवाता था, फिर कैमरा सेट कराता था, फिर मैं देखता था कि मुझे किस एंगल में इस सीन को लेना है, फिर मैं कैमरा सेट करके और उसके आगे जाके खड़े होकर बोलता था कैमरोल एक्शन, खुद ही एक्टिंग करता था, फिर खुद ही कट बोलता था। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता था ये वाला सिचुएशन, फिर भी हमने बहुत अच्छे से किया। बाकी अब आगे जनता के हाथ में है उसका डिसीजन करना। सर, आजकल छोटी छोटी घटनाओं को फिल्मों में लाने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? पब्लिक कब तक लव स्टोरी देखेगी जी? कब तक लव स्टोरी देखेगी, कब तक ऐसी मूवी जिसका कुछ अत ही पता नहीं है, न कुछ बोले हमारे देसी भाषा में, न जिसका सिर न पैर, ऐसी स्टोरी कब तक देखेगी? और हम सब बदलाव चाहते हैं, हम अगर कोई कपड़ा भी पहनते हैं तो हम उसे एक साल छः महीने के बाद चाहते हैं कि हम दूसरा कपड़ा पहने, एक दूसरे कलर का पहने। तो वही चीज़ें कब तक देखेगी पब्लिक? तो बदलाव चाहिए, लोग देखे वही रिपीट स्टोरी लोग करते थे जिसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो अब जो है सत्य घटना पर या छोटी छोटी घटनाओं को लोग बनाना स्टार्ट किए, उसे एक फिल्म का रूप देना चालू किए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो जब कोई चीज़ चल जाती है तो सब उसी के पीछे चलने लगते हैं। तो कुछ सत्य घटनाओं पर कुछ पिक्चरें बनी तो उसका लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अब सब उसी तरफ जा रहे हैं, उसी रास्ते में। खासकर आप वेब सीरीज देख सकते हैं, आजकल जितनी वेब सीरीज आ रही हैं सत्य घटनाओं पर आ रही हैं या छोटी छोटी घटनाओं पर आ रही हैं, और उसमें कुछ सिलेक्टेड स्टोरियों को फिल्म के रूप में भी लिया जा रहा है। सर, आमतौर पर फिल्मों में नेपोटिज्म चल रहा है, इस पर इस दौरान आपको किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा? नेपोटिज्म से मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जी, क्योंकि मैं उस क्राइटेरिया में आता नहीं हूँ। तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि पब्लिक है जो बायकॉट कर रही मूवी को, तो अगर वो किसी को बायकॉट करे तो ऑलरेडी उनके पास एक्सेप्ट का भी ऑप्शन होगा, तो मेरे लिए शायद वो एक्सेप्ट का ऑप्शन उन्होंने खोला होगा, और वो इस मूवी को, इस स्टोरी को, और मुझे शायद वो लाइक करे। पब्लिक का कहना ये है कि इंडस्ट्री में सिर्फ वही वंशवाद ही क्यों रहे, बाहरी व्यक्ति को मौका क्यों ना मिले,
या जिसके हुनर है, काबिलियत है, उनको मौका क्यों नहीं मिले, तो शायद मैं वही लेके आया हूँ जिसे वो अपना प्यार दे। फिल्म को लेकर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, खुद भी देखें, सभी को दिखाएं, और पारिवारिक ये फिल्म है, सब परिवार देखें, एंजॉय करें। इसमें आपको एक अच्छा मैसेज मिलेगा, हमारे समाज में जो एक पीछे का पर्दा है, जो आप सबकी एक बिजी शेड्यूल है, अपनी व्यस्त भरी दुनिया में नहीं देख पा रहे हैं, वो एक रूप भी आपको देखा जाएगा, जिसे आप सुधार करिए और इसके प्रति आप कुछ मैसेज दीजिए, और इन इन जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसको सुधारिए, और आप बेसिकली आप इसमें मस्ती भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, आपको मनोरंजन भी होगा, और एक आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा इस फिल्म से। सर, आपकी अपकमिंग फिल्म मिड डे मील इन दोनों काफी चर्चा में है, इसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं और ये किस तरीके से सफल होगी? विषय ऐसा है कि चर्चे का है जी। आने वाले 14 अक्टूबर को हम इसे पूरे देश में रिलीज कर रहे हैं, हमारे ही बैनर पे ऑल इंडिया सभी दर्शकों को ये पिक्चर देखने को मिलेगी, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सबको पसंद आ रहा है और सब इसको देखना चाह रहे हैं, इसमें गाने बहुत अच्छे हैं, लोग उसको भी देखना चाह रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा व्यूज मिले उसके, और हमने इस मूवी का टीजर लॉन्च कर दिया है, और टीजर लॉन्च करने के बाद हमें इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और आप जैसा बोल रही हैं बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत अच्छा पब्लिक इसका रिस्पांस दे रही है और बिल्कुल देखना चाह रही है। मुझे भी ये मैसेज मिले किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया से, आपसे और सभी से। बुलंद हिंदुस्तान के माध्यम से मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप